अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर और वेलकम करती हूँ आप सबको आज के व्लॉग में। जी तो हम इस्तांबुल में मौजूद हैं और आज हम ज़ियारत करेंगे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के मज़ार की। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो का मज़ार इस्तांबुल तुर्की में है और ये अय्यूब सुल्तान एरिया में है। जी तो अभी हम मज़ार के बाहर पहुंच चुके हैं और ये बाहर के मनाजिर हैं, यहाँ पे सब डिटेल लिखी हुई है मज़ार से मुतल्लिक। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल थे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको ख़ास मोहब्बत और अकीदत थी। इस्लाम की तारीख में इनका ये वाक़या बहुत ही फेमस है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो उस टाइम मदीना के तमाम लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर क़याम करें। मदीना के लोगों की मोहब्बत और अकीदत देखते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि वो अपनी खास ऊँटनी को आज़ाद छोड़ेंगे और वो जिसके घर के पास जाकर रुकेगी तो वो उसके घर में क़याम करेंगे। चुनाचे ऐसा ही किया गया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया और ऊँटनी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के घर के बाहर जाकर बैठ गई। और उसके बाद जब तक मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल नहीं हुई आपने हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में क़याम किया। जी तो अभी हम मज़ार के अंदर आ चुके हैं और ये सब मनाजिर जो हैं मज़ार के अंदर के हैं। अभी हम यहाँ पर सनाहानी करेंगे और दुआ करेंगे। कुरान गाने सुने